अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत शुक्रिया, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके लिए एक इंडिपेंडेंस डे की लुक लेके आई हूँ। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है LA गर्ल का प्रो कंसीलर, और इसे मैंने डैप करना है स्पंज की हेल्प से। और यहाँ पर मैं आज यूज़ कर रही हूँ BH कॉस्मेटिक्स की टेक मी बैक टू ब्राज़ील पैलेट, और ये पैलेट बहुत ही हसीन है और बहुत ही कलरफुल है। और इसमें मैं सबसे लाइट ग्रीन शेड ले रही हूँ, और इस ग्रीन शेड को मैंने अपनी क्रीज एरिया में अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डैबिंग पोजिशन में अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैंने उसे ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। अब मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन शेड दूंगी और इस डार्क ग्रीन शेड को मैंने लाइट ग्रीन के साथ ब्लेंड कर देना है एक ट्रांजिशन सा क्रिएट करने के लिए। अब मैं एक और डार्क ग्रीन शेड दूंगी और इस ग्रीन शेड को मैं अप्लाई कर दूंगी अपने आईलेट पर, और ये कलर हमारे पाकिस्तान के झंडे में भी है। और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हम बहुत से तरीक़ों से करते हैं, लेकिन जब हम बाहर होते हैं तो पाकिस्तान की लाइक जो कमी होती है ना, वो बहुत महसूस होती है। और आज जो मैं ये लुक क्रिएट कर रही हूँ, ये भी स्पेशली पाकिस्तान नीस के लिए क्रिएट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने जस्ट खाली ब्रश लिया, उस पर कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, और उससे मैंने ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया अपने आईलेट पर जो मैंने शेड्स अप्लाई किए हैं। इसके बाद आपने एक सी शेप में इनर कॉर्नर पर कट क्रीज क्रिएट करनी है, और उसके लिए मैंने एक ब्रश लिया और उस पर कंसीलर अप्लाई किया है, और इस तरह से क्रीज क्रिएट कर लेनी है। क्रीज क्रिएट करने के बाद मैंने इस पर वाइट शेड अप्लाई करूँगी उसको सेट करने के लिए। नेक्स्ट की ग्लिटर ग्लू यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और उसे मैं अपनी कट क्रीज पर अप्लाई कर दूँगी। बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में आपने यूज़ करनी होती है। लिट के सेंटर में मैं ग्रीन ग्लिटर अप्लाई करूँगी अपने आई पर। डार्क ग्रीन कलर की कोई भी ग्लिटर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से ग्रीन ग्लिटर अप्लाई करने के बाद इनर वी पर मैं वाइट ग्लिटर अप्लाई करूँगी, और वो मैं यूज़ करूँगी शी ग्लैम की। मिलानो का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। दिस वन इज़ माय फेवरेट। इसकी एप्लीकेशन बहुत इजी है। इस तरह से आपने एक विंग क्रिएट कर लेना है, और फिर आपने उसे अपनी लैश लाइन के साथ जॉइन कर लेना है। आईलाइनर लगाना बहुत इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और इसके बाद इस आईलाइनर को इंटेंस लुक देने के लिए मैं इस पर लिक्विड आईलाइनर अप्लाई करूँगी। जब भी आप ग्लिटर यूज़ करते हैं, सिर्फ जेल आईलाइनर वर्क नहीं करता, उस पर आपको लिक्विड आईलाइनर भी अप्लाई करना होता है। अब मैं अपनी वाटर लाइन में निक्स की वाइट पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। लैश कर्लर की हेल्प से मैं अपनी लैशेस को कर्ल करूँगी, और उसके बाद मस्कारा अप्लाई करूँगी अपर एंड लोअर लैश पर। और उसके बाद मैं फॉल्स लैशेस अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं फॉल्स लैशेस अप्लाई करना इज़ वेरी इजी। जस्ट आपने ग्लू लगा के और बिल्कुल आराम से अपनी लैश के ऊपर लैश लाइन के साथ जॉइन करना होता है। और इस तरह से अब मैं अपनी इनर कॉर्नर और ब्रॉ बोन को हाईलाइट करूँगी, एंड आउटर कॉर्नर्स को मैं कंसीलर की हेल्प से क्लीन करूँगी इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक फाइन सी लाइन क्रिएट हो गई है, और बहुत ही अच्छी सी लुक आ रही है। और ये रही मेरी फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये लुक पसंद आई होगी और आपने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।
एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बार फिर से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो।